अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। बहुत आसानी से हम इसको घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिस्पी भी बनता है। इसका जो आप बेस देख सकते हैं कितना क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा। इसको बनाने के लिए मैंने रेडीमेड ये बेस यूज़ की हूँ, इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल रहता है। एक पैकेट में दो ब्रेड रहते हैं और ये जो है यहाँ पे पिज़्ज़ा का जो ओरिगैनो है ना, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये जो ऊपर से छिड़कते हैं पिज़्ज़े पे, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये चिल्ली फ्लेक्स जो है, इस तरीके का आपको पाउचेस भी मिल जाएंगे इसके। और ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस जो होता है, इससे भी पिज़्ज़े का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं अमूल की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। चीज़ को हम ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। सेम जो मैरिनेशन प्रोसेस है ना इसका, मैंने जो चिकन तंदूरी में वाले वीडियो के अंदर जैसा मैरिनेट की थी, सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है, इसलिए मैंने उसकी क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं की। तो उसी तरीके से आप वो वाला चिकन तंदूरी का वीडियो देख करके वैसे ही मैरिनेट कर सकते हैं। आधा किलो चिकन है ये, और इसको मैरिनेट कर लेंगे, 7-8 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद जो है इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। इस तरीके से चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ ली थी मैंने और उसको जो है देखिए फ्राई किया है मैंने। बड़ी पीसेस नहीं लेंगे, जो चिकन बोनलेस होता है उसकी छोटी छोटी पीसेस लेंगे। और यहाँ पर टमाटर को हमको इस तरीके से काट लेना है। शिमला मिर्ची के जो देखिए इस तरीके से बारीक बारीक जो है इस तरीके से पतला हमको काट लेना है। और यहाँ पर जो है मैं पिज़्ज़े के दो बेस लिए मैंने, इसके ऊपर एक चम्मच जो है हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छे से, हर तरफ इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। देखिए लग चुका है ये। अब इसके ऊपर जो है हम चीज़ डाल देंगे। इससे ना पहले स्टेज में ऐसा चीज़ डाल देने से जो है वो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो थोड़ी चीज़ अभी डाल लीजिए, बाकी की बाद में डालेंगे। फिर इस तरीके से हम टमाटर के जो स्लाइसेस थे इस तरीके से रख लेंगे और फिर हम इसके ऊपर शिमला मिर्च को ऐसा रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो अनियन वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपको कॉर्न पसंद है तो वो भी डाल लीजिए, पनीर डाल लीजिए। यहाँ पर जो है मैं चिकन डाल रही हूँ, तो फ्राई किए हुए जो चिकन के जो छोटे पीसेस थे वो इसके ऊपर हम इस तरीके से सजा देंगे। देखिए ये मैंने कर दी हूँ। उसके बाद जो है हम चीज़ डाल देंगे। आपको जितना चीज़ चाहिए ऊपर से उतना डाल लीजिए। चीज़ डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे, डाल देंगे। देखिए ये वाला ओरिगैनो मैं इस पर डाल रही हूँ, इससे जो पिज़्ज़े का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो इसको ज़रूर डालिए। फिर हम चिल्ली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए मैं चिल्ली फ्लेक्स इस पर डाल रही हूँ। अब ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर ली थी और उसके बाद जो है टेम्परेचर उसका बढ़ाई 200 डिग्री पे इस पिज़्ज़े को पकाना है 10 मिनट के लिए। अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन की हूँ और जो ट्रे है ओवन में मैंने एकदम नीचे की साइड वाले उस पर लगाई हूँ और उसके ऊपर जो है वो ट्रे के ऊपर तीनों पिज़्ज़ा हम रख देंगे। हम 200 डिग्री पे इसको पका रहे हैं तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना पिज़्ज़े का जो नीचे का बेस है वो जो है ब्राउन जैसा हो जाएगा। ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा ना तो उसका टेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा। इसके लिए ध्यान दीजिए आप, 10 मिनट के लिए सिर्फ पकाइए, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और नीचे से जो बेस था वो भी अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।